मान सबक शुरू करने का अनुमति चाहता हूँ। जय साहब, क्लास खड़ा हो, कहने से गिनती शुरू कर। एक दो तीन चार पाँच छह। एक दो नंबर एक एलएमजी ग्रुप, तीन चार नंबर दो एलएमजी ग्रुप। क्लास इसी प्रकार अन गिनती ग्रुप में बांट, क्लास बैठ जाए आराम से। नायक रघुवेंद्र स्थान ले। निलिंग पोजीशन सीखे हुए तरीके से हथियार और सामान का निरीक्षण जारी कर। क्लास सोचे और बताए हथियार और सामान का निरीक्षण क्यों किया जाता है। हवलदार सतीश अपने तथा अपने साथियों की जान सलामती के लिए तथा जिस मकसद से हथियार को निकाला जाए उस मकसद को पूरा करने के बाद। ठीक, निरीक्षण के दौरान किन किन हिस्से पुर्जे को चेक किया जाता है। हवलदार सतीश फायर तथा शिस्त में काम आने वाले हिस्से पुर्जों को चेक किया जाता है उस्ताद। ठीक, अब रिपोर्ट नंबर एक एलएमजी छह नंबर्स के लिए अपने स्थान पर। 5.56 एमएम इंसास एलएमजी का कारगर रेंज कितना होता है। हवलदार सतीश 500 मीटर होता है उस्ताद। ठीक, इंसास एलएमजी का मजर वेलोसिटी कितना होता है। नायक रघुवेंद्र 525 एमएम होता है उस्ताद। ठीक, 5.56 एमएम इंसास एलएमजी इन्फेंट्री सेक्शन का एकमात्र ऑटोमेटिक हथियार है। इससे लड़ाई के मैदान में सिंगल शॉट और ऑटोमेटिक फायर करने की काबिलियत रखता है। सेक्शन की अहमियत वाले हथियार होने के नाते हरेक फायरर को इस हथियार के ऊपर पड़ने वाली रोके के बारे में जानना निहायत ही जरूरी है ताकि जरूरत पड़ने पे इस हथियार का पूरा पूरा फायदा उठा सके। ये तभी संभव है जब हरेक जवान स्काउट पोस्ट ट्रेनिंग के दौरान अच्छे दर्जे का सिखलाई पाया हो। लिहाजा इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए सुने सबक का उद्देश्य 5.56 एमएम इंसास एलएमजी की चाल पढ़ने वाली रोके और उन्हें दूर करने का तरीका सिखाना है। उद्देश्य को एक बार फिर सुने, 5.56 एमएम इंसास एलएमजी की चाल पढ़ने वाली रोके और उन्हें दूर करने का तरीका सिखाना है। सबक संबंधी समाप्त। इंसास एलएमजी जोड़ी में एक खुला हुआ एक जुड़ा हुआ। खुला हुआ जाल को समझाने के लिए और जुड़ा हुआ रोके को दूर करने के लिए। इंसास एलएमजी के मैगजीन ड्रिल कार्ड्स ड्रिप क्लियरिंग प्लग चिंदी एसएससी पोल मुनासिब दूरी पे लगा हुआ 1x1 फीट टारगेट आपके सामने लॉन्ग ईयर पे बोर्ड क्लास में आए हुए कठिन शब्दों को समझाने के लिए। हथियार और सामान की सुरक्षा के लिए इसी प्रकार से ग्राउंड शीट का बिछा होना। अब सबक तरतीबार चले और क्लास को समझने में आसानी हो सबक को चार भागों में सिखाऊंगा। भाग एक 5.56 एमएम इंसास एलएमजी की चाल। भाग दो फौरी इलाज की कार्रवाई और सख्त खिंचाव की रोक। भाग तीन गैस की कमी की रोक। भाग चार अन्य रोके। यहाँ तक किए गए बयान और कार्रवाई में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल नहीं। सवाल नहीं तो भागे 5.56 एमएम इंसास एलएमजी की चाल। 5.56 एमएम इंसास एलएमजी की चाल 8 एक्शन में पूरा होते हैं। इसे आप बोर्ड के ऊपर बने डायग्राम की मदद से समझे। 5 अनलॉक स्ट्राइक कॉक इजेक्ट फिर लोड लॉक। यह 8 एक्शन हथियार के ऊपर किस प्रकार से पूरा होता है इसी कार्रवाई का नमूना हथियार के ऊपर बयान के साथ दूंगा। आप देखें सुने तथा समझें। निलिंग पहचान रुकिए।
पहले चाल में आने वाले हिस्से पुर्जे का नाम बताना नियायत ही जरूर समझता हूँ ताकि आपको चाल समझने में और भी आसानी हो। चाल के हिस्से पुर्जे को देखने के लिए क्लास स्थान लें। बैरल, गैस बेल, गैस ट्यूब, चैम्बर, बैरल लुकिंग सरफेस, सेफ्टी सेयर का हेड, इजेक्टर, हैम्बर, टीगर सेयर, चेन लीवर, जिसकी तीन पोजिशन एस आर ए। पूरा नाम पिस्टन एक्सटेंशन, पिस्टन एक्सटेंशन का हेड, हाउसिंग बे, स्टेम, बॉटम सरफेस, केम बे, पिस्टन एक्सटेंशन का निचला पिछला और दाहिना पहलू। पूरा नाम रोटेटिंग बोल्ट, रोटेटिंग बोल्ट का रिटर्नर, फायरिंग पिन, स्ट्रेक्टर, केम, रोटेटिंग बोल्ट का लकिंग लग, फिट पीस। पूरा नाम रिकॉइल स्प्रिंग, स्टॉपर, रिटर्नर, गाइड। मैगजीन के ऊपर वाला राउंड। चाल के हिस्से पुर्जे में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल? सवाल नहीं तो अभी लेते हैं 5.567 इंसास एलएमजी की चाल। जब एक फायर चेन लीवर की पोजीशन एस से आर आ ए पर करके टिगर को प्रेस करता है तो हैम्बर आजाद होकर फायरिंग पिन रिटर्नर के ऊपर ठोकर मारता है, जिससे फायरिंग पिन अपने होल से निकलकर चैम्बर में दाखिल राउंड के प्राइमर के ऊपर चोट मारता है। एक्शन फायर की होती है। फायर होने से गैस पैदा होता है जो कि बुलेट को बैरल में आगे की ओर ढकेलता है। जब बुलेट गैस वेंट के पास से गुजरता है तो कुछ गैस गैस वेंट के जरिए गैस ट्यूब में दाखिल हो जाता है और कुछ गैस बुलेट को टारगेट एरिया में पहुंचाने में मदद करता है। गैस ट्यूब में दाखिल गैस पिस्टन हेड के ऊपर दबाव डालता है, जिससे पिस्टन पीछे की तरफ हरकत करता है। इस दौरान रोटेटिंग बोल्ट का केम केम बे में दाहिने से बाएं इतना घूमता है कि रोटेटिंग बोल्ट का लकिंग लग और बैरल लकिंग सरफेस का मिलाप टूट जाता है। कार्रवाई अनलॉक का होता है। स्ट्रेक्टर फायर केस को पीछे लाता है। कार्रवाई स्ट्रेक्ट की होती है। शुरू शुरू में स्टेम हैम्बर को थोड़ा नीचे दबाता है, बाद में बॉटम सरफेस हैम्बर को पूरा नीचे दबा देता है। इस दौरान सेफ्टी सेयर का नोज और हैम्बर भेंट का मिलाप हो जाता है। कार्रवाई कॉक का होता है। इंस्ट्रक्टर के द्वारा लाया गया फायर केस इजेक्टर से टकराकर इजेक्शनिंग स्लॉट के रास्ते दाहिने और नीचे गिर जाता है। कार्रवाई इजेक्ट का होता है। यहाँ पे चाल वाले पुर्जे का पीछे का हरकत समाप्त हो जाता है और रिकॉइल स्प्रिंग अपने हाउसिंग बे में सिकुड़ जाता है। रिकॉइल स्प्रिंग अपने तनाव को पूरा करने के लिए चाल वाले पुर्जे को आगे की तरफ हरकत देता है। इस प्रकार से इस हरकत के दौरान रोटेटिंग बोल्ट का फिट पीस मैगजीन के ऊपर वाले राउंड के ऊपर दबाव डालता है। कार्रवाई फिट की होती है। साथ ही स्ट्रक्टर राउंड के प्राइमर के ऊपर सवार हो जाता है। कार्रवाई लोड की होती है। यहाँ पे क्या है, रोटेटिंग बोल्ट का आगे का हरकत समाप्त हो जाता है।
लेकिन कुछ दहने बाएं का हरकत बाकी रहता है। दहने बाएं का हरकत के दौरान रोटेटिंग बोर्ड का केम्बे में बाएं से दहने इतना घूमता है कि रोटेटिंग बोर्ड का लकिंग लग और बैरल लकिंग सरफेस का मिला हो जाता है। कार्रवाई लॉक का होता है। पिस्टन एक्सटेंशन का आखिरी हरकत के दौरान पिस्टन एक्सटेंशन का निचला पिछला और दहना पहलू सेफ्टी सेयर हेड के ऊपर दबाव डालता है, जिससे सेफ्टी सेयर का नोज और हैम्बर भेंट का मिला टूट जाता है और एलएमजी द्वारा फायर के लिए तैयार हो जाता है। ये था 5.56 एमएम इंसास एलएमजी की चाल। 5.56 एमएम इंसास एलएमजी की चाल में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल सवाल नहीं तो नंबर मिले अपने स्थान पे। ये था भाग एक का नमूना। अभी होगा अभ्यास, अभ्यास होगा सवाल जवाब से। 5.56 एमएम इंसास एलएमजी की चाल कितने एक्शन में पूरा होते हैं? नायक रघुविंदर, ठीक। भाग एक आप अभ्यास के साथ सीख चुके हैं, अभी सिखाऊंगा भाग दो, फौरी इलाज की कार्रवाई और सख्त खिंचाव की रोक। एक फायरस किस प्रकार से फौरी इलाज की कार्रवाई और सख्त खिंचाव की रोक को दूर करता है, इसी कार्रवाई का नमूना हथियार के ऊपर बयान के साथ दूंगा। आप देखें, सुने तथा समझे। दोस्तों रेडी, सामने 1x1 फीट टारगेट सिंगल शॉट फायर। सुने, इस प्रकार टिगर को प्रेस करने से एलएमजी फायर करते करते रुक जाए तो कार्रवाई फौरी इलाज की करें। करने का तरीका, कलमे वाली उंगली को टिगर से बाहर निकाले, एलएमजी को पॉप करें और होल्डिंग ओपनिंग डिवाइस को लगाएं। मैगजीन कैच को दबाते हुए मैगजीन को उतारे पोच में बंद करें। पोच से भरा हुआ मैगजीन ले, मैगजीन का मुलाजा करते हुए मैगजीन बे में दाखिल करें। यकीन करें कि मैगजीन फिट। चाल वाले पुर्जे को आगे जाने दे, दुरुस्त शिस्त ले, एलएमजी को फायर में शामिल करें। एलएमजी ठीक फायर करेगा। इस प्रकार एक बार एलएमजी को कॉक करके होल्डिंग ओपनिंग डिवाइस को लगाकर मैगजीन की बदली करने से तीन प्रकार के रोग के दूर होती है। मैगजीन की रोग, बॉडी में अटका हुआ राउंड या केस और मिसफायर राउंड। ये था फौरी इलाज की कार्रवाई। फौरी इलाज की कार्रवाई में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल? सवाल नहीं तो इस प्रकार टिगर को प्रेस करने से एलएमजी फायर करते करते चाल वाला पुर्जा आगे ही रुक जाए तो रोग को पहचाने। पहचाने का तरीका, कलमे वाली उंगली को टिगर से बाहर निकालें, एलएमजी को कॉक करें। कॉक करने से पता चला कि एलएमजी आसानी से कॉक नहीं तो सख्त खिंचाव की रोग समझकर दूर करें। करने का तरीका, बट कंधे का मिलाप तोड़ें, दोनों हाथों को टेक लेते हुए नीलिंग पोजिशन अख्तियार करें। इस प्रकार दोनों हाथों से एलएमजी को उठाएं। इस पोजीशन में देखने वाली बातें, एलएमजी तकरीबन 45 डिग्री के एंगल में बैरल आसमान की तरफ पॉइंट करता हुआ, बाएं हाथ की पकड़ फोरहैंड गार्ड पे चार उंगलियां बाहर से उठा आसमान की तरफ पॉइंट करता हुआ, एक्सिंग स्लो जमीन की तरफ पॉइंट करता हुआ, बट दहने घुटने से लगा हुआ, दहना घुटना बट को पीछे जाने से रोकता है। दाहिने हाथ की कलमे वाली उंगली से कॉकिंग पीस को खड़ा करें और एक ही झटके में एलएमजी को कॉक करें, साथ ही यकीन करें कि सख्त खिंचाव की रोक दूर तो चाल वाले पुर्जे को आगे जाने दें। एलएमजी को और बाएं पार्ट रखें, बट कंधे का मिलाप करें, दुरुस्त स्थिति ले, एलएमजी को फायर में शामिल करें। एलएमजी ठीक फायर करेगा। सख्त खिंचाव की रोक करने का कारण, गंदा चैम्बर, महिला अमनेसर। ये था सख्त खिंचाव की रोक को दूर करने के तरीके। सख्त खिंचाव की रोक को दूर करने के तरीके में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल? सवाल नहीं तो एलएमजी ठीक फायर करता। खाली का
अप रिपोर्ट नंबर एक कलमजी ठीक नंबर्स मिले अपने स्थान पर। ये था नमूना अभियोग अभ्यास। अभ्यास के लिए आदेश इस प्रकार से होंगे। एलएमजी ठीक फायर करता रुकता के आदेश पर आप एलएमजी को कॉप करके होल्डिंग ओपनिंग दिवाई लगाने तक की कार्रवाई करेंगे। नासिक रोक मैं दूंगा। मैगजीन की रोक के आदेश पर आप मैगजीन की बदली करेंगे। बॉडी में अटका हुआ राउंड या केस के आदेश पर आप बॉडी को क्लियर करेंगे। एक छुआ राउंड के आदेश पर आप राउंड के प्राइमर को चेक करेंगे। कॉकने के आदेश पर आप सख्त खिंचाव की रोक समझ कर दूर करेंगे। आदेशों में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल सवाल नहीं तो हवलदार सतीश स्थान लो। सामने वन बाई वन फिट टारगेट सिंगल शॉट था। एलएमजी ठीक फायर करता रहता हुआ राउंड राउंड के प्राइमर पर ठीक चोट एलएमजी ठीक फायर करता रहता थोड़ी लॉस मैगजीन की रोक मैगजीन की बदली किया एलएमजी को फायर में शामिल किया एलएमजी ठीक फायर करता खाली कर आप देखे सुने तथा समझे। रेडी सामने वन बाय वन फिट टारगेट सिंगल शॉट था। सुने इस प्रकार टिगर को प्रेस करने से एलएमजी फायर करते करते एक दो राउंड के बाद रुक जाए तो गैस की कमी की रोक समझकर दूर करें। करने का तरीका कलमे वाली अंगली को टिगर से बाहर निकालें एलएमजी को कॉक करें और चेन लीवर की पोजीशन एस पे करें। बट कंधे का मिलाप तोड़े एलएमजी के बाएं पहलू इस प्रकार जाए गैस रेगुलेटर की पोजीशन का मुलाजा करें। अगर गैस रेगुलेटर की पोजीशन लो पे है तो किसी साफ कपड़े या चिंदी की मदद से लो से हाई पे करें। चिंदी का इस्तेमाल लो से हाई पे किया। अगर पहले से हाई पे हो तो गैस प्लग को खोलकर सफाई करें। वापस गैस प्लग को जोड़ दें। किसी साफ कपड़े या चिंदी की मदद से गैस रेगुलेटर को लो हाई से लो पे करें। साथ ही सॉटिंग करें हाई से लो पे किया। ध्यान रहे सवाल गैस रेगुलेटर की पोजीशन बदली करते समय हाथ का नंगा भाग बैरल में टच ना हो। चिंदी का इस्तेमाल हाई से लो पे किया। पहले वाले पोजीशन अख्तियार करें। बट कंधे का मिलाप करें। चेन लीवर का पोजीशन आर पे करें और दुरुस्त शिफ्ट ले एलएमजी को फायर में शामिल करें। एलएमजी ठीक फायर करेगा।
गैस की कमी की रोक पड़ने का कारण गैस का अत्यधिक मात्रा में फॉलिंग होना, जिससे गैस वेंट का बंद हो जाना। ये था गैस की कमी की रोक को दूर करने के तरीके। गैस की कमी की रोक को दूर करने के तरीके में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल? नहीं उस्ताद। सवाल नहीं तो एलएमजी ठीक फायर करता खाली का। नंबर एक एलएमजी ठीक, नंबर्स मिले कितने स्थान? ये था नमूना वियोगा अभ्यास। अभ्यास के लिए आदेश इस प्रकार से होंगे। एलएमजी ठीक फायर करता एक दो राउंड के बाद रुकता के आदेश पर आप गैस की कमी की रोग समझकर दूर करेंगे। आदेशों में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल? सवाल नहीं तो नायक रविंदर स्थान लो। सामने वन बाई वन फिट टारगेट सिंगल शॉट फायर। एलएमजी ठीक फायर करता है दो राउंड में रुकता। गैस की कमी की रोक। चिमनी का इस्तेमाल। गैस रेगुलेटर की पोजीशन को लो से हाई पे किया। भाग तीन आप अभ्यास के साथ सीख चुके हैं, अभी सिखाऊंगा भाग चार अनुरोग के। एक फायरर किस प्रकार से अनुरोगों को दूर करता है, इसी कार्रवाई का नमूना हथियार के ऊपर बयान के साथ दूंगा। आप देखें सुने तथा समझे। नहीं कोई साहब दोस्तों रेडी। सामने वन बाय वन फिट टारगेट सिंगल शॉट फायर। सुने इस प्रकार टिगर को प्रेस करने से एलएमजी फायर करते करते चाल वाले पुर्जे से अलग सी आवाज आए तो अन्य रोग समझकर दूर करें। करने का तरीका, कलमे वाली उंगली को टिगर से बाहर निकाले, मैगजीन कैच को दबाते हुए मैगजीन को उतारे और सुरक्षित स्थान पर रखे। एलएमजी को कॉक करे, बट कंधे का मिलाप तोड़े और सीखे हुए तरीके से एलएमजी को खोल दे। फायरिंग पिन स्ट्रक्चर का मुलायजा करें। अगर फायरिंग पिन स्ट्रक्चर टूटा हुआ है तो पतले ड्रिफ्ट की मदद से बदली करें। फायरिंग पिन स्ट्रक्चर ठीक हो सकता है चैम्बर की रो, तो दोनों हाथों से इस प्रकार एलएमजी के पिस्टल ग्रिप को पकड़ते हुए एलएमजी को बगल बदन के सीध में लाएं और चैम्बर का मुलायजा करें। चैम्बर में कटा हुआ केस तो सीखे हुए तरीके से एलएमजी को जोड़ दें। एलएमजी को कॉक करें, होल्डिंग ओपनिंग डिवाइस को लगाएं, क्लियरिंग प्लग को ले, क्लियरिंग प्लग के तीन बड़े भाग। बेस स्लिप सेंटर पिन, बेस स्लिप और सेंटर पिन को टाइट करें।
दाहिने हाथ की कलमी वाली उंगली और अंगूठे की मदद से क्लियरिंग प्लग को चैम्बर में दाखिल करें। चार वाले पुर्जे को आगे जाने दें। एलएमजी को दाहिने टर्न करते हुए कॉक करें, साथ ही होल्डिंग ओपनिंग डिवाइस को लगाएं। क्लियरिंग प्लग का इस्तेमाल यकीन करें कि क्लियरिंग प्लग के साथ कटा हुआ केस बाहर। समय हो तो अनुस्क्रू की कार्रवाई किया जाए, अन्यथा पहला मौका मिलते ही अनुस्क्रू की कार्रवाई किया जाए। क्लियरिंग प्लग के साथ कटा हुआ केस बाहर। बट कंधे का मिलाप करें। पोस्ट से भरा हुआ मैगजीन ले, मैगजीन का मुलाजा करते हुए मैगजीन बे में दाखिल करें। यकीन करें कि मैगजीन फिट। चाल वाले पुर्जे को आगे जाने दे। दुरुस्त शिस्त ले। एलएमजी को फायर में शामिल करें। एलएमजी ठीक फायर करेगा। चैम्बर में केस कटने का कारण, चैम्बर का अत्यधिक मात्रा में गर्म होना, आ राउंड के मेटल में कमी। ये था अन्य रोग को दूर करने के तरीके। अन्य रोग को दूर करने के तरीके में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल? सवाल नहीं तो एलएमजी ठीक फायर करता खाली का। अनुस्क्रू की कार्रवाई किया। अब रिपोर्ट नंबर एक एलएमजी ठीक, नंबर सिलेक्ट के स्थान पर। कभी कभी क्लियरिंग प्लग के साथ कटा हुआ केस बाहर ना आने का कारण, बेस और सेंटर पिन को टाइट ना होना, स्लीप का उल्टा जुड़ना, सेंटर पिन हेड का घिस जाना या तीनों में से किसी एक भाग का टूट जाना। ये था नमूना अभियोगाभ्यास। अभ्यास के लिए आदेश इस प्रकार से होंगे। एलएमजी ठीक फायर करता फायर नहीं के आदेश पर आप अन्य रोग समझकर दूर करेंगे। आदेशों में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल? सवाल नहीं तो नायक रघुवंदर स्थान लो। सामने वन बाय वन फीट टारगेट सिंगल शॉट फायर। एलएमजी ठीक फायर करता फायर नहीं। फायरिंग भी नहीं सकता ठीक। हो सकता है चैम्बर की रोक। चैम्बर में कटा हुआ केस। क्लियरिंग प्लग का इस्तेमाल। बेस और सेंटर पिन को टाइट किया। क्लियरिंग प्लग के साथ कटा हुआ केस बाहर। अनस्क्रू भी करवाई किया।
अब रिपोर्ट नंबर एक कलमी ठेप नंबर मिले अपने स्थान पे। भाग चार आप अभ्यास के साथ सीख चुके हैं, अभी भी पूरे लेसन में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल सवाल नहीं तो संक्षेप। बंदोबस्ती की कार्रवाई पहले से कर ली गई थी जो कि मेरे द्वारा चेक किया गया। क्लास की गिनती ग्रुप में मेरे द्वारा बांट किया गया। क्लास से एक स्टूडेंट को हथियार और सामान का निरीक्षण कराया गया। पिछले चल चुके लेसन से दो सवाल को पूछा गया जिसको क्लास ने सही सही जवाब दिया। बहुत सबक संबंधी छोटा और साफ बताया गया। उद्देश्य को एक बार बताया गया और एक बार दोहराया गया। सबक संबंधी सामान को मेरे द्वारा लिविंग पोजिशन से एक एक करके दिखाया गया। सबक तरतीबार चले और क्लास को समझने में आसानी हो सबक को चार भागों में सिखाया गया। भागे 5.56 mm इंसास LMG की चाल 5.56 mm इंसास LMG की चाल कितने एक्शन में पूरा होते हैं? हवलदार सतीश 8 एक्शन में पूरा होता है। ठीक। साथ ही भाग एक का अभ्यास कराया गया। भाग दो फौरी इलाज की कार्रवाई और सख्त खिंचाव की रोक। सख्त खिंचाव की रोक पड़ने का कारण नायक रघुविंदर ठीक। साथ ही भाग दो का अभ्यास कराया गया। भाग तीन गैस की कमी की रोक। गैस की कमी की रोक पड़ने का कारण हवलदार सतीश गैस का अत्यधिक मात्रा में फॉलिंग होना जिससे गैस वेंट का बंद न हो जाना होता है उस्ताद। ठीक। साथ ही भाग तीन का अभ्यास कराया गया। भाग चार अन्य रोग के चैम्बर में केस कटने का कारण नायक रघुविंदर चैम्बर का अत्यधिक मात्रा में गर्म होना या राम के मीटर में कमी होना होता है उस्ताद। ठीक। साथ ही भाग चार का अभ्यास कराया गया। यहाँ पे पूरे लेसन संक्षेप के साथ समाप्त होता है। अभी भी पूरे लेसन में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल सवाल नहीं तो आपका अगला लेसन 5.56 mm इंसास LMG को एक्शन के दौरान हैंडलिंग करने का तरीका सिखाना है। आप इसे पढ़ के आएंगे साथ में मैं भी क्लास में पढ़े। क्लास साधन भाई जैन साहब श्रीमान सबक संक्षेप के साथ समाप्त हुआ। क्लास को 5 मिनट ब्रेक करने का अनुमति चाहता हूँ। जैन साहब क्लास खड़ा हो 5 मिनट के लिए लाइन टू।